आप देख रहे हैं सीबी न्यूज, हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है, जहां पूरे भारत में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। हर कोई अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। वही हल्द्वानी में सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बड़ी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हल्द्वानी की यातायात महिला कांस्टेबल नूतन तिवारी, जो कि धूप हो या छाव 12 घंटे लगातार ड्यूटी करती हैं, अपनी बूढ़ी माँ को घर छोड़कर माँ के लिए खाना बनाने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर आती हैं और अपनी ड्यूटी कर्तव्य और निष्ठा पूर्वक निभाते हुए कोरोना वायरस के लिए महिला योद्धा की तरफ काम कर रही हैं। हर किसी आने जाने वालों पर निगाह रखती हैं। मेडिकल के किसी को भी हल्द्वानी के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। नूतन तिवारी का कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस से लोग भयभीत हैं, अगर हम लोग भी डरने लगेंगे तो देश की सेवा कौन करेगा। वे अपने पुलिस महकमे की बड़ाई करते हुए कहती है कि हमारे सभी अधिकारी लगातार काम करते हैं, हम तो छोटे से कर्मचारी हैं, तो हमें किस बात का डर, हम अपनी ड्यूटी लगातार करते हैं और करते रहेंगे। वही इनकी इस कर्तव्य निष्ठापूर्वक ड्यूटी को सभी अधिकारी और स्थानीय लोग भी सलाम करते हैं। वे लोग भी कहते हैं कि महीने का लिस्ट वीर बड़े निष्ठापूर्वक से ड्यूटी निभाती हैं। धूप हो या छाव, भूख हो या प्यार, वे अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती। वही अपनी बूढ़ी माँ को घर में छोड़कर घर का काम करती हैं और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाती हैं। ऐसे कोरोना योद्धा को पूरा देश सलाम करता है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से यासीन अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।